भारत जोड़ो यात्रा में पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों और इस मंच पे बैठे हुए और भारत जोड़ो यात्रा के जो प्रमुख श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सभी पार्टी के नेता इस मंच पे बैठे हैं, क्षमा करना, समय के अभाव से मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं उन सब को याद करते हुए सिर्फ चंद बातें बोलूंगा, क्योंकि बर्फ पड़ रही है। ये हम कर्नाटक से आए हैं, ये नई चीज है हमको कि इतना बर्फ पड़े और अब देखे नहीं, एक नया माहौल है। और खास करके जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने का और भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने निर्णय लिया और चलने का उन्होंने इरादा किया, तब हम लोग घबरा गए थोड़े। अब प्रियंका जी ने ये बात कही कि जब इतना बड़ा फासला जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आज यहां पर हम ठहरे हैं, तो हमको घबराहट हो गई, ये कैसा सक्सेस होगा, ये कैसा निर्णय राहुल गांधी जी ने लिया। लेकिन मैं उनके लिए एक शेर कहके शुरू करता हूं। इतना बड़ा लंबा रास्ता उन्होंने जो तय किया, तो इसलिए डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो ये उन्होंने जो इतनी बड़ी दूरी कंप्लीट की, इसीलिए मैं हमारे पार्टी के ओर से, सारे जनता के ओर से और सारे लोगों के ओर से उनको बहुत 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 बधाई देता हूं। और उनके साथ जो यात्री चले, रात दिन उनके साथ रहे, बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, इसमें वो चलते हुए उनका साथ दिए 200 से भी अधिक लोग, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। और से उसी के साथ साथ कश्मीर में मुझे, कश्मीर में जो दो चार दिन में हमको उनके साथ जोड़ने का, लोगों का जो हौसला देखा, स्पीड देखी, तो देखने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा उदार है, लिबरल है और सबको समेट लेते हैं। ये कश्मीरियत की एक बहुत बड़ी देन है। तो इसलिए दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि उनकी जो ये यात्रा निकली, ये किसी चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये उन्होंने यात्रा निकली नफरत के खिलाफ। आज जो बीजेपी और आरएसएस के लोग
हर जगह नफरत फैला रहे हैं, उसलिए उन्होंने ये तय किया कि नफरत के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे और हर रैक से मिलने की उन्होंने कोशिश की। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक टेक्नोलॉजिस्ट के साथ, डॉक्टर के साथ, इंजीनियर्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, छोटे मोटे दुकानदारों के साथ और छोटे मोटे जो रोजगार काम करते हैं उनके साथ, किसानों के साथ सबसे मिले और बहुत से महिलाओं से, बच्चों से भी मिले। सब कुछ उन्होंने देखा और चल कर देखा, सिर्फ हवा में उड़ के नहीं देखा। जो मोदी साहब हमेशा हवा में ही उड़ते रहते हैं, आज यहाँ है, कल 8 दिन पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे थे वो चुनाव को देखकर। तो वो आज राहुल गांधी जी ने एक सबूत आपको दिया कि वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जोड़ सकते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीजों के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी के लोग इस देश में गरीब को गरीब रखना चाहते हैं और अमीर को अमीर बना रहे हैं। 1% लोग इस देश की 10% लोग इस देश के 72% संपत्ति को लूट रहे हैं और 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो इसीलिए हमको इसके खिलाफ लड़ना है और हम लड़ेंगे। खासकर जो कश्मीर की समस्या है, यहाँ पर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, जो कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं, इस जन्नत को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया, लेकिन राहुल गांधी जी का इरादा है इसको असेंबली हम बनाएंगे और यहाँ पर स्टेटहुड लाएंगे और यहाँ असेंबली बनकर ये स्टेट बनेगा कश्मीर। इसीलिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। समय की कमी रहने की वजह से मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। उनको बहुत बहुत फिर एक बार बधाई देता हूँ और वो जो आज सड़क पे लड़े, बहुत लोगों से मिले, प्रेम से मिले और जैसा कि अभी बताया गया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोला और आप भी खोलो। और उसी लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इतने बर्फ होते हुए भी एक होकर जोश के साथ हमारा साथ दिए, उनका साथ दिए। आप सभी को धन्यवाद। और जो ऑल पार्टी के जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो सारे विरोध पार्टी से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भी जो अपोजिशन पार्टी के नेता लोग हमसे जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इतना कहते हुए मैं और कुछ आज कहना नहीं चाहता। आप सभी को बधाई, आप सभी ने हमको देख लिया, हमारे साथ जुड़ गए, इसीलिए आपको फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। आप एक ना भारत जोड़ो, अरे जोर से बोलो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जय हिंद, जय हिंद, राहुल गांधी, राहुल गांधी। आप सबको धन्यवाद और मैं सभी को फिर एक बार नमस्कार करते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। अब आपके सामने